नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल मनीष 90 में। दोस्तों आज हम आप लोगों के बीच में N495 कमिंस का ओल्ड मॉडल इंजन का वाल्व सेटिंग और इंजेक्टर सेटिंग लेकर के आए हैं। ये टॉर्क मेथड से उसका वाल्व भी सेट करना पड़ता है और साथ में इंजेक्टर भी करना पड़ता है, तभी वो इंजन स्टार्ट होता है। तो ये 495 सीरीज और N8 दोनों में अपना सेम रहता है। तो यहाँ पे वही चीज आ रही है जो हम आप लोगों को बार बार बताते आते हैं कि एक इंजन है उसको दो राउंड में पूरा जो है सिलेंडर जो है फायर करता है। तो अब मान लो जैसे उसका पोली पोजीशन ये हुआ, ये पोली पोजीशन को हमने आधे आधे सीधा बांट दिया क्योंकि ये चार सिलेंडर इंजन है। ये हो गया ए और ये हो गया बी, ठीक है। इसका एक इस इंजन का एक अजीब सा ये रहता है, मतलब इस सभी इंजनों से हटके इसका फायरिंग ऑर्डर होता है। आप इसका जो फायरिंग ऑर्डर देखेंगे, फायरिंग ऑर्डर तो 1, 2, 4 और 3 होता है, ये आप इसका फायरिंग ऑर्डर होता है। तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा और इसका हम बात कर लेंगे कि आपको ए और बी दो मार्किंग अपना एसोसिएट ड्राइव पे आपका रहेगा दिया हुआ, इसमें आपको मार्किंग लगाने की जरूरत इन सब सीरीज में इंजन में एन सीरीज के सीरीज बी सीरीज या कैप के सी सीरीज वगैरह में भी जाओगे तो C9 वगैरह में चाहे अपना C20 किसी भी इंजन में जाओगे तो ये वाला मार्किंग उसमें आपको लगाने की जरूरत नहीं होती। बड़े इंजनों में ये HHP इंजन होता था एक्चुअली, तो इसमें आपका मार्किंग रहेगा, ये एसोसिएट ड्राइव है। तो मैंने उसी पे आपको लगा दिया, जैसे ये पोजीशन ए और पोजीशन बी। एक बार में आपका स्टार्ट मान लो हम यहां से कर दिए, हमने स्टार्ट यहां से कर दिया, ठीक है, हमारा पुली पोजीशन ए आ गया तो ए और 14BS लिखा हुआ पुल्ली पे रहेगा, उसको निशान से मैच करना रहता है, तो हमने इसको मैच कर दिया, ठीक है, ये हमारा पोजीशन जो है मैच हो गया। अब देखना ये है कि ये तो मैच हो गया, तो ए और 14BS हमने यहां भी लिखा है और ए और 14BS यहां भी लिखा है, दोनों जगह पे हमने ए और 14BS लिख दिया। अब आपको मैं यहां बताऊंगा कि एक नंबर का सेटिंग करना है और यहां पे 4 नंबर का करना है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसलिए अब यहां पे आपको जो देखना होता है तो फिर वही सिस्टम आता है कि कौन सा पिस्टन जो है अपना TDC पे है और कौन सा उसका भाग दोनों फ्री है। तो मान लो हमारा पोजीशन ए आ गया, चाहिए वाला पोजीशन ए, क्योंकि हमने स्टार्ट ए से करी है, तो यहां से करेंगे तो 4 नंबर को मिलाएंगे और यहां से करेंगे तो 1 नंबर को मिलाएंगे, तो 1 के बाद चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फायरिंग ऑर्डर है 1 by 1, तो हम 1 मिलाएंगे पहले यहाँ पे, उसके बाद 2 मिलाएंगे, उसके बाद 4 मिलाएंगे, उसके बाद 3 मिलाएंगे, ये अपना पुली का पोजीशन होता है। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा बोर्ड पे आपको क्लियर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में कि यहाँ पे हमने इसको तो अभी निकालना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि इसमें आएगा नहीं। तो हम अब तीनों का पोजीशन और भार इंजेक्टर कौन कौन सा करना रहता है, मतलब ये आप समझ लो कि ए और बी सेम, इसको फिर हम इसको हाफ राउंड घुमाएंगे तो ये वाला पोजीशन यहाँ आ जाएगा, तो हम इसके अगले फायरिंग ऑर्डर का मिला देंगे। जैसे मान लो कि हमने हमको एक पता चल गया, यहाँ पे एक पता चल गया कि हमारा एक ये है, ठीक है, एक का हमने टैपेट सेटिंग कर दिया और इसको हम हाफ राउंड घुमा दिए, तो ये बी हमारा ऊपर आ गया, ये यहाँ आके आ गया, तो बी में हमको किसका करना है, इसके अगले फायरिंग ऑर्डर का, तो हम 2 नंबर का कर देंगे, फिर हम इसको घुमाएंगे और फिर हमारा जब ए आएगा तो हम किसका कर देंगे, 4 नंबर का कर देंगे, और इसके बाद में फिर घुमाएंगे और फिर आएगा तो हम 3 नंबर का कर देंगे। ये टॉक मेथड से होता है एक्चुअली, टॉक मेथड तो होता ही है, हमने काफी जो हमारा एक्सपीरियंस करता है तो हमने इंजेक्टर को सेटिंग किया था काफी जगहों पे, हमारे पास टॉर्क रिंच वगैरह नहीं था, तो भी बिना टॉर्क रिंच का उसका जो है प्लंजर को पूरा हमने टाइट करके और 1/4 राउंड हमने उसको घुमा दिया और वापस ले लिया पूरा सटने के बाद, तो हमारा इंजन सही चलता है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे कि आप टॉर्क मेथड सही मिलाना, मैं आपको पुली पोजिशन के हिसाब से एक एक करके टैपेट सेटिंग बता देता हूँ।
आप ये जान लो वही सिस्टम है छोटा इंजन हो या बड़ा इंजन हो, तो इसमें इंजेक्टर भी सेट करना है तो आपको सेम उस पर सेट होगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको पूरी पोजीशन से समझाते हैं। जैसे मैंने अभी आपके लिए अभी इंजेक्टर और इधर भाग बना दिया, चार सिलेंडर का इंजन है, इसका फायरिंग ऑर्डर भी मैंने आपको बता दिया 1 2 4 3, ठीक है। तो इसका इंजेक्टर साइड से हो गया, ये टॉर्क मेथड से हम बता रहे हैं आपको। तो इंजेक्टर का जो टॉर्क होता है वो अपना होता है 6 lb/ft, ठीक है। जो हम वाल्व का सेटिंग करते हैं, इंजेक्टर का सेटिंग करते हैं, तो छोटे वाले टॉर्क से 6 का हम मारेंगे उस पर lb/ft में, तो ये अपना इंजेक्टर हो जाएगा। और इधर एग्जॉस्ट और इंटेक का रखेंगे, इंटेक का 0.016 थाउ, और ये देखिए एग्जॉस्ट का रखेंगे 0.029 थाउ, यानी इंच में ये आता है, वो मैंने आपको बता दिया कि ये वाल्व का जो गेज है, फिलर गेज, उसका साइज है, आप इससे मिलाएंगे, और ये इंजेक्टर का टॉर्क है कि आपको इंजेक्टर पे टॉर्क कितना देना लगता है। तो जो चीज मैंने आपको अभी बताया था वही चीज मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं आप लोगों को, कि हमने स्टार्ट किया ए और 1/4 यहां पे आ गया 1/4 VS स्टार्ट करते के साथ ही। तो आपको दो चीज देखनी होगी कि आपका जो कौन सा वाल्व फ्री है, तो उसके हिसाब से आपको एक वाले को लेके आना है, ठीक है। तो एक वाला आ गया, तो हम एक का इंजेक्टर और एक का वाल्व सेट करेंगे, 6 lb/ft का उस पर टॉर्क देंगे, और साथ में इंटेक का हम 0.016 से मिलाएंगे, एग्जॉस्ट का 0.029 से इसका हम वाल्व एडजस्ट कर देंगे, इसको इंजेक्टर कर देंगे। उसके बाद में फिर हम इसको हाफ राउंड इंजन को घुमाएंगे, जैसे हमारा ये पोजीशन, फिर ये ए जो है नीचे को आएगा और बी जब ऊपर को आएगा, तो ये वाला पोजीशन बी में बी और 2/3 VS, बी और 2/3 VS, तो ये हमारा जैसे ही यहाँ पे आया तो हम इसका 2 का इंजेक्टर सेट कर लेंगे और इसका 2 का वाल्व सेट कर लेंगे, वही 6 lb/ft, वही 16 और 29 रखेंगे, ठीक है। तो यहां से वाल्व सेट कर लेंगे, फिर हम इसको हाफ राउंड इंजन को घुमाएंगे, तो फिर जब हम हाफ राउंड घुमाएंगे तो फिर हमारा ए जे का तेव आ जाएगा, ए और 1/4 VS, तो हम क्या करेंगे 4 का इंजेक्टर मिलाएंगे, यानी टॉर्क देंगे इंजेक्टर पे कितने का, 6 lb/ft का, और एग्जॉस्ट और इंटेक 4 का ये सेम मिला लेंगे, ठीक है। फिर हम जब वापस घुमाएंगे तो फिर हमारा ये बी ऊपर आएगा, तो बी जब ऊपर आएगा ये वाला बी और 2/3 VS, तो हम उस समय 3 का इंजेक्टर और 3 का वाल्व मिलाएंगे, और यही अपना प्रोसीजर चलता है। इसमें एक और मेथड होता है, एक्चुअली इस वीडियो में मैं डेल इंडिकेटर मेथड नहीं बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं उसको सेपरेट एक अलग से उसको बना के दूंगा, नहीं तो उसमें काफी ये पुली पोजीशन के अनुसार ना उसमें काफी आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आप काफी एक्सपीरियंस वाले होंगे तो आप समझ जाओगे, अन्यथा कम एक्सपीरियंस वाले को दिक्कत होती है, इस वजह से हम इस पे उन चीजों को नहीं ला रहे हैं डेल इंडिकेटर वाले को, केवल हम टॉर्क मेथड बता रहे हैं आपको, इसे टॉर्क मेथड से 495 इंजन का इसका NTC N8 भी आ जाएगा, ठीक है, और इसका भी सेम ये 4 सिलेंडर वाले अपना टॉर्क मेथड से आप इसमें काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आज, हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, तो थोड़ा सा इस वीडियो पे आप लोग रिप्लाई करोगे कि इसमें आप लोगों को समझ में आता है, तो मैं 12 सिलेंडर 16 सिलेंडर इन सब का मैं बोर्ड पे ही प्रैक्टिकल तो नहीं करा पाऊंगा क्योंकि हमारे पास इंजन अभी खुला हुआ नहीं है, इंजन खुलेगा तो मैं प्रैक्टिकल दे सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है कि अगर आप लोगों को इसमें समझ में आता है, अगर मैं बोर्ड पे आपको समझा रहा हूँ, अगर आपको इसमें समझ में आ रहा है तो मैं आगे वीडियो धीरे धीरे करके, मैं अभी 4 सिलेंडर 6 सिलेंडर KT19 उसके बाद में C9 कैट का ऐसे करके आपको महिंद्रा अशोक लेन इसे तो बता ही रखा हूँ, तो ऐसे करके धीरे धीरे जो टॉर्क मेथड वाले हैं जिसके वाल्व और इंजेक्टर दोनों सेट होते हैं,
वो मैं एक एक करके बोर्ड पे आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ मिलेंगे।